मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के भू कानून की दिशा में लिए गए फैसले के बाद प्रदेश में अवैध रूप से जमीनों की खरीद फरोख्त करने वालों के खिलाफ सरकार ने कार्रवाई तेज कर दी है। प्रदेश के वन मंत्री सुबोध उनियाल ने भू कानून को लेकर स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार भू कानून को लेकर गंभीर है। जिन लोगों ने भी यहाँ भूमि खरीदी और उसका उपयोग उस प्रयोजन के लिए नहीं किया है जिस प्रयोजन के लिए भूमि खरीदी गई है, उनके विरुद्ध कार्रवाई करते हुए भूमि को राज्य सरकार में निहित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त एक परिवार में 250 वर्ग मीटर से ज्यादा भूमि खरीद पर जिन्होंने नियमों का उल्लंघन किया है उनकी भी अतिरिक्त जमीन राज्य सरकार में निहित की जाएगी। वन मंत्री ने कहा कि भू कानून में जो भी सुधार राज्य हित में अपेक्षित होंगे ये प्रयास किए जाएंगे, लेकिन इसके लिए प्रदेश के नागरिकों को भी जागरूक होकर सरकार का सहभागी बनना होगा। वन मंत्री ने प्रदेशवासियों से अपील करते हुए कहा कि प्रदेशवासी अपनी पैतृक भूमि को संरक्षित करें और उसकी बिक्री ना करें। वन मंत्री ने स्पष्ट किया कि पूर्व में भू कानून में जो भी ऐसे संशोधन हुए हैं और उनके अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं, जनभावनाओं के अनुरूप उनमें भी संशोधन करने से पीछे नहीं हटा जाएगा। वन मंत्री ने कहा कि राज्य के लोगों के हक हकूकों को संरक्षित करने के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। राज्य का भावी भू कानून इसी सोच के साथ तैयार किया जा रहा है। राज्य सरकार जनभावनाओं के अनुरूप भू कानून में बदलाव लाने की तैयारी कर रही है। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे वरिष्ठ पत्रकार जितेंद्र अंतवाल से। जितेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से भू कानून को लेकर धामी सरकार अपनी तैयारी कर रही है और इसी भू कानून के तहत पहला कदम धामी सरकार ने जमीनों की खरीद फरोख्त में जांच को लेकर उठाया है, क्या कुछ जानकारी आपके पास है? भू कानून जो है वो पूरे उत्तराखंड में बहुत तेजी के साथ ये मांग इस समय उठ रही है और ये आज की मांग नहीं है, बहुत पुरानी मांग है। और भू कानून और मूल निवास 1950, ये दो मांगें जो है प्रमुख रूप से उठ रही हैं। भू कानून का मुद्दा इसलिए बहुत ज्यादा तेजी से हाल के वर्षों में उठा है क्योंकि यहाँ की डेमोग्राफी में बड़ा चेंज आ रहा है जी। बाहर के लोग आकर जमीनें खरीद रहे हैं और मनमाने ढंग से, और जो ये स्थानीय लोग हैं उनके जो है हक हकूक उनको अपना जो है खतरा लग रहा है, तो इसी खतरे से, इसी डेमोग्राफिक चेंज के खतरों से। जितेंद्र जी, एक सवाल आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से भू कानून को लेकर प्रदेश में जोरों शोरों पे ये आवाज उठी है, अगर इस कदम उठाने के बाद आपने जनता से बातचीत करने की अगर आपने कोशिश की हो, उनका मन टंटोलने की कोशिश की हो, तो अब उनकी क्या कुछ राय है इस कदम के बाद? नहीं, उनकी दरअसल उनके मन में भी कई शंकाएं हैं। उनके मन में शंका इसलिए है थोड़ा सा कि सरकार ने अभी धामी साहब ने जो बात करी है अभी पिछले दिनों और सुबोध जी ने भी इसको क्लियर किया है, सरकार बहुत गंभीरता से इस पर बात कर रही है, इसमें दो राय नहीं है। सरकार ने कमेटी भी बनाई, सरकार ने 2021 में जो है धामी सरकार ने ही सुभाष कुमार कमेटी जो पूर्व सीएस थे, मुख्य सचिव थे, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई, जिस कमेटी ने रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट के अध्ययन के लिए और नियमावली वगैरह उस पर और आगे काम करने के लिए जो वर्तमान मुख्य सचिव है राधा रतूड़ी जी, उनकी अध्यक्षता में एक और कमेटी बनी। दरअसल जो विलंब हो रहा है, जो मतलब 2021 से और आज 24 हो गई है, तो इसको लेकर आशंका है कि मतलब हर बार जब भी ये कोई बड़ा कॉल करते हैं, इन लोगों में आशंका यह है कि जब भी बड़ा कॉल करते हैं तो उससे पहले सरकार एक बयान देती है, तो विश्वास उससे थोड़ा इनमें थोड़ा शंकाएं ज्यादा है। तो उनका ये कहना है कि सरकार पहले उसका ड्राफ्ट पेश करे सदन में, उसको सार्वजनिक करे, उस पर चर्चा करे और उसके बाद उसको और सख्ती से लागू करे। बिल्कुल जितेंद्र जी, अब देखना होगा कि जनता के अनुरूप क्या कुछ आगे फैसला लेती है धामी सरकार। तमाम जानकारी देने के लिए बेहद शुक्रिया और अब रुक करते हैं अगली खबर का।